हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग। जैसा कि आपको पता है कि नावाडेज ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। इसके रिलेटेड टीवी पे एडवर्टाइजिंग भी आ रहा है। पहले गेमिंग था बच्चों के लिए, जिसके वजह से उनको एडिक्शन लग जाता था और दिन रात वो गेम खेलते रहते थे, और उसके वजह से उनको एकेडमिक जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी सब्जेक्ट्स में या स्टडी में, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती थी और पुअर हो जाती थी। पर नाउ डेज ऑनलाइन गेमिंग इट्स नॉट लिमिटेड टू द चाइल्ड, चाइल्ड तक लिमिटेड नहीं रह गया, अब वो एडल्ट तक पहुंच गया है। और ऑनलाइन गेमिंग में अब मनी इन्वॉल्व हो चुकी है। जहाँ पे पैसा होता है, मनी होती है, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन वहाँ पे चला जाता है और सब उसके पीछे जाने लगते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। इसलिए टीवी पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज करते हैं कि आप ये गेम खेलो, यहाँ पे रिस्क नहीं है, आप ये गेम खेलो, आप लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, क्रिकेट खेलो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ द गेम, आप ये सारे गेम्स खेलो और करोड़ों के प्राइज जीतो। नावाडेज ऐसा चलन चलते जा रहा है कि सब ऑनलाइन गेमिंग के पीछे जा रहे हैं और उसको उन चीज का एडिक्शन हो जा रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं और पैसे भी लॉस हो रहे हैं, और इसमें साइबर बुलिंग भी इन्वॉल्व होती जा रही है। आपका खुद का जो डेटा है वो चोरी हो रहा है, जो क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग आप खेलते हैं उसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, अपने बैंक के डिटेल्स और जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है वो आपका डेटा सिक्योर कर सेव कर लेता है, और ये भी होता है कि वो आपका डेटा किसी और को भी ट्रांसफर करता है। तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नावाडेज बहुत ही ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, स्कैम हो रहा है, और साथ में उसकी वजह से साइबर बुलिंग के शिकार भी सब होते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल सब लोग इजी मनी कमाना चाहते हैं, तो गेम खेलकर इजी मनी कमाएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई गेम खेलकर इजी मनी कमा सकता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है, उसको बहुत बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं, इससे सबको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग इज वेरी गुड। बट आपने देखा हो कि उस एडवर्टाइजिंग के एंड में एक छोटा सा फटाफट डिस्क्रिप्शन में लोग बोलते हैं कि जो भी आर्थिक जोखिम है ये सब आपके ऊपर निर्भर है और आप इसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हो और इसके मतलब आपको आर्थिक लॉस भी हो सकता है। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, द गेम ऑल्सो पहले से बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ तो जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका तो बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी पे भी होता है, उस पर आपको ब्रेन के ऊपर भी साइड इफेक्ट होता है, प्लस आपका हेल्थ भी उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, प्लस आपका जो इन्वायरमेंट होता है, लाइक आपको जो बाहर जाने का शौक होता है या फैमिली से इन्वॉल्व होने का शौक होता है वो भी आप कट ऑफ हो जाता है। बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग जब आप खेलते हो तो आप कंप्लीटली आइसोलेट होकर एक जगह बैठ कर गेमिंग खेलते हो, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत टाइम तक मोबाइल में देखते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी आंखों के ऊपर भी अफेक्ट होता है उस चीज का। देन फाइनेंशियल लॉस तो डेफिनेटली होता है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसके चलते कितने लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जब उनको बेनिफिट नहीं होता और उनको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, और फिर उसके बाद वो खुद सोचते हैं, गिल्ट करते हैं, खुद पे ब्लेम करते हैं, अपने अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, तो इस चक्कर में वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जैसे कि बहुत सारी फाइटिंग वाली हुई या किसी को मारना हुआ या एक इंसान करोड़ों ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है, लाइक दैट, ऐसे भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह ये सारे फेमस हैं, मतलब सारे सोशल मीडिया पे फेमस हैं। तो वो सारे जब बच्चे ये सारी छोटी छोटी ये एक्टिव अब छोटे उम्र में ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उनके अंदर एग्रेशन भर जाता है, और वो एग्रेशन धीरे धीरे चल के उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करने में, मतलब लाइक वो सोसाइटी में भी कभी झगड़ा हुआ तो एक दूसरे को हाथापाई मार पिटाई स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ उनके माइंड पे वो इम्पैक्ट होता है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो हीरो होता है वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, कैसे भी कर सकता है, सो वो खुद को भी वही समझने लगते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आपको तो प्राइस बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होता, मे बी 100 लोगों में से किसी एक को होगा तो वो एक जो भी अभी होगा तो मे बी ही इज वेरी और शी इज वेरी लकी उसको हो गया, बट प्राइस बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली वो गेम खेलते रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, आप आइसोलेट हो जाते हो, किसी से बात नहीं करते, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, तो
उसके लिए आपको मेंटली भी और फिजिकली भी आपकी जो हेल्थ कैपेसिटी है वो पुअर हो जाती है, आप एडिक्टेड हो जाते हो। जैसे कोई ड्रग्स के पीछे या स्मोक के पीछे, अल्कोहल के पीछे एडिक्टेड होता है ना, तो अगर किसी को ऑनलाइन गेमिंग की लत लगती है तो वो उसके पीछे एडिक्टेड हो जाता है। वो फटाफट खाना खाता है, अपने काम को फटाफट करता है, सोचता है कि मैं कब जाके वो गेम खेलना स्टार्ट करूं या प्राइज जीतना स्टार्ट करूं। बच्चा सोचता है कि मैं कब जाके गेम खेलूं और दूसरों को मारूं पीटूं या ऐसे रेस भगाऊं, ऐसे गाड़ी भगाऊं, ऐसे करूं वैसे करूं, लाइक दैट। देन वॉयलेंस, ऑब्वियसली बच्चे लोग में तो वायलेंस बिहेवियर आ ही जाता है ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। देन इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बच्चों की, एंड बड़ों की तो फाइनेंशियल लॉस तो डेफिनेटली होता है ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, बिकॉज वो विक्टिम होते हैं साइबर बुलिंग के, साइबर और स्कैम के। उनको कुछ ना कुछ स्कैम तो होता ही है, क्योंकि आपकी पर्सनल जो आपके डेटा हैं वो चोरी हो रहे हैं। देन स्लीप डिसऑर्डर भी इसमें होता है, बिकॉज जब आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो तो आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते रहते हो, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा प्राइज के पीछे खेलता है तो कंटिन्यूसली सोचता रहता है, तो इसको इसलिए उसको जल्दी नींद नहीं आती, तो उसको स्लीप डिसऑर्डर भी होने के चांसेस होते हैं। लाइक इंसोमेनिया भी उसको हो सकता है स्लीप डिसऑर्डर में। डिप्रेशन तो डेफिनेटली होता है जब फाइनेंशियल लॉस होता है, और एग्रेशन तो बच्चों में भर जाता है जब वो वायलेंस वाले, जब मार पिटाई वाले गेम्स खेलते हैं, और फिर वही एग्रेशन आगे जाके धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके गेम से दूर रखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी गेम हो, चाहे एंटरटेनमेंट का गेम हो या प्राइज विनिंग का गेम हो, क्योंकि आप जितना हार्ड वर्क करोगे अपनी लाइफ में आपको उससे ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा अगर आप इजी मनी के पीछे, ऑनलाइन गेमिंग के पीछे भागोगे कि मैं उससे अर्न करूंगा और मैं करोड़ों जीतूंगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ऐसे ऑनलाइन गेमिंग से और ऐसे नेगेटिव एडवर्टाइजिंग से अपने आप को दूर रखिए, तो आप भी सेफ रहोगे, आप मेंटली हेल्दी भी रहोगे और फाइनेंशियली आपको लॉस भी नहीं होगा। थैंक यू।